पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर वनों में पौधारोपण के नाम पर बस सैटेलाइट के माध्यम से वनों के बढ़ने के झूठे आंकड़े जारी कर प्रदेश की जनता को छलने के आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 25 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य को डंकोसला बताते हुए कहा कि पेड़ धरातल पर लगने की अपेक्षा मात्र वन विभाग के दस्तावेजों तक ही सीमित लगेंगे, क्योंकि ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है। पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर वनों में पौधारोपण के नाम पर बस सैटेलाइट के माध्यम से वनों के बढ़ने और झूठे आंकड़े जारी कर प्रदेश की जनता को छलने के आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पौधारोपण के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 25 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य को ढंकोसला बताते हुए कहा कि पेड़ धरातल पर लगाने की अपेक्षा मात्र वन विभाग के दस्तावेजों तक ही सीमित लगेंगे, क्योंकि ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है। प्रदेश सरकार से रामलाल ठाकुर ने मांग की है कि वनों के बढ़ने के वन भूमि व निजी भूमि के अलग अलग आंकड़े जारी किए जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व के आंकड़ों के अनुसार वनों की आगजनी की घटनाओं से बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वन काटुओं के द्वारा किए अवैध कटान से वनों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जो कि प्रदेश की जनता को सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में वन बढ़ने का भूभाग 12 वर्ग मीटर किस प्रकार से बढ़ गया है, ये बात प्रदेशवासियों की समझ से बाहर है। वन विभाग प्रत्येक वर्ष अपने दस्तावेजों में लाखों पेड़ लगाने के दावे कर रहा है, मगर वन विभाग को ये आंकड़े भी जारी करने चाहिए कि कितने और किस वर्ष कितने पौधे रोपण किए और कितने पेड़ उनमें से जीवित है। मैं चाहूंगा कि अगर मान लो 12 वर्ग किलोमीटर एरिया दो सालों में हिमाचल प्रदेश का बढ़ गया, तो मैं कहूंगा कि नई प्लांटेशन के लिए कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए। तो सरकार जो है पर्यावरण के नाम से पौधे लगाने के लिए पानी का जो है वो जो कमी आ रही है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो और डीप होता जा रहा है, इसके नाम के ऊपर लोगों को जो है वो गलत सूचना दी जा रही है। इनके अंदर जो अपनी प्लांटेशन कर रखी है, सैटेलाइट से ये थोड़ी बताते हैं कि ये प्राइवेट लोगों की जमीन है, ये सरकारी जमीन है। ये लोगों के जो प्राइवेट जमीन है, खड़ियातरे हैं, उनके खेतों के किनारे पे लोगों ने खेतीबाड़ी करनी बंद कर दी, वहां पे जंगल खड़े हो गए। आज मैं कहूंगा सैटेलाइट के माध्यम से ये पर्दा डाला जा रहा है, और वो जितने मैं कहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन जिस प्रकार से ये पौधों को लगाने की बात हो रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं कहूंगा कंट्राडिक्शन है। इनमें धरातल में कुछ और है और वहां पे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स में कुछ और है। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में एक एक कमेटी गठित की जाए जिनको जिम्मेवारी दी जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ट्राइबल एरिया हैं उनका क्या हाल है, जो हमारे हार्ड एरिया हैं उनमें क्या हाल है, जो हमारी लोअर हिल्स हैं उनमें जो है वो जो जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका क्या हाल है, हिमाचल प्रदेश की सही पिक्चर आएगी। अगर सैटेलाइट के माध्यम से आप अपनी पीठ को थपथपाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा सैटेलाइट से ये सारी की सारी जमीन के ऊपर जितनी भी हरियाली है, ये सारी की सारी फॉरेस्ट के नाम से हो रही है। और जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को भी इसमें सच्ची बात को कहते हुए जो है गुरेज नहीं करना चाहिए, जो सही बात है वो सही है। वन घट रहे हैं, वनों में आग लगाई जा रही है, वन काटू जो है वो बिल्कुल हावी हैं, और हर जगह के ऊपर मैं कहना चाहूंगा अखबारों में आ रहा है, सरकारी तौर पे भी कहा जा रहा है हमने इतने जो है वो केसेस पकड़ लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि हमारा वनों का क्षेत्र बड़ा है, जो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार से बयानबाजी, चाहे वो अरण्यपाल करे, चाहे वो मंत्री करे, चाहे वो चीफ हमारे जो है फॉरेस्ट के वो करें, ये मैं कहना चाहूंगा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसमें और धरातल में बहुत फर्क है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने जो है वो अभी जो हमारा वर्षा सीजन चला है बरसात का, उसमें जो है वो लाखों पौधे लगाने का जो है वो टारगेट रखा है कि 15 लाख लगाएंगे, और कल मंत्री जी ने कहा कि हमने 17 लाख से ज़्यादा पेड़ जो है वो पौधे जो है वो लगा दिए, और साथ में ये कहा गया कि जो ग्रीन कवर है हिमाचल प्रदेश का वो बड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर मान लो वहाँ से अरण्यपाल है कोई, जिनके माध्यम से अनिल शर्मा जी, जिनके माध्यम से ये खबर छपी है कुल्लू से,
और उसमें कहा गया है कि दो सालों के अंदर जो प्लांटेशन हुई उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश का 12 वर्ग किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है वो उसमें इजाफा हुआ है।